मध्य प्रदेश के रीवा प्रयागराज हाईवे पर एक बार फिर से भीषण सड़क सभा, जहां प्रयागराज से लौटने वाली स्कॉर्पियो के द्वारा जोरदार ठोकर मार दी गई। यहां समा दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वन क्षेत्र के पहल बघेली न्यूज चैनल महापूजा अपना पंचे सभी का प्रणाम कही थी, शुरू कही थी बड़ी खबर से। बता दी कि रीवा प्रयागराज हाईवे पर सुहागी घाटी में हादसा सामने आवा, प्रयागराज से लौटे वाली स्कॉर्पियो का ट्रक के द्वारा ठोकर मार दी गई। सड़क दुर्घटना में स्कॉर्पियो सवार दो लोग घायल, एम्बुलेंस की मदद से इलाज के खातिर अस्पताल में भर्ती करावा गया। घटना रविवार शाम के आए। जानकारी के सवार लोग छत्तीसगढ़ से प्रयागराज के रहे, छत्तीसगढ़ से वापस लौटे के दौरान सुहागी घाटी में तेज रफ्तार ट्रक के द्वारा टक्कर मार दी गए। सड़क हादसा में स्कॉर्पियो सवार दो लोग घायल भी, जिन्हें में एक व्यक्ति की हालत गंभीर बताई जाती। मौका मिलते ही मौके में पहुंची पुलिस के द्वारा ट्रक चालक का गिरफ्तार किए गए। ग्रामीणों के मुताबिक सुहागी घाटी हादसा का हॉटस्पॉट बन चुकी है। आए दिन यहाँ सड़क हादसा देखने को मिला था और ये घाटी में हादसा की वजह से सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी है, लेकिन यहाँ तक अब तक कोनो ऐसा पहल नहीं किए गए जिससे हादसा का रोका जा सके। सुहागी थाना प्रभारी के मुताबिक घायल का बेहतर उपचार के खातिर रीवा के संजय गांधी अस्पताल भिजवावा गया। आरोपी ट्रक चालक का गिरफ्तार अपराध पंजीबद्ध करके वैधानिक कार्रवाई की जा रही। सजग रही, सतर्क रही, रखिए आप और अपने परिवार के बहुत ख्याल। इजाजत, प्रणाम। का अपना संतान के सुख से वंचित है, बहने संपर्क करी विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करी प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल खुटे ही रीवा